दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने गुस्से में कर दी है प्लेइंग 11 में बहुत बड़ा चेंज, तो क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो, बने रहे इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 में बहुत ही मुश्किल से 2 रन से जीता है, और दोस्तों बात करें दूसरे T20 की तो दूसरे T20 में बहुत ही शर्मनाक हार मिला है भारत को। और दोस्तों इसी गुस्से से हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम घोषित किया। जी हां दोस्तों, दोस्तों कौन कौन खिलाड़ी खिलाए जाएंगे बता देंगे अभी आपको। दोस्तों पहले नंबर पर ईशान किशन आएंगे जो कि बहुत ही अच्छे बैट्समैन है लेकिन इस T20 में कुछ कमाल नहीं कर पाए। जी हां दोस्तों, दूसरे नंबर पर शुभमन गिल है, ये भी कमाल के बैट्समैन है लेकिन इन दोनों T20 मैचों में कुछ ज्यादा खास आक्रामक बल्लेबाजी नहीं की। हार्दिक पांड्या सोच रहे की ओपनिंग जोड़ी को चेंज करने की, अभी तक खबर सामने नहीं आया की ओपनिंग जोड़ी को चेंज करेंगे। लेकिन दोस्तों तीसरे नंबर पर बहुत ही बड़ा चेंज हुआ, तीसरे नंबर पर धोनी का चेला आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ जो की बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। दोस्तों चौथे नंबर पर आएंगे सूर्य कुमार यादव जो कि उप कप्तान बनाए गए हैं इस सीरीज में, जो कि आप लोग दूसरे T20 मैच में देख चुके होंगे कैसे आक्रामक बल्लेबाजी की थी अक्षर पटेल के साथ। जी हाँ दोस्तों, पांचवे नंबर पर आएंगे दीपक हुड्डा जो कि आप लोग जानते ही होंगे कि पहले T20 में दीपक हुड्डा ने कैसे ताबड़तोड़ धमाका पारी खेला था। जी हाँ दोस्तों, छठे नंबर पर आएंगे हार्दिक पांड्या जो कि इस T20 सीरीज का कप्तान है, जो कि काफी चालाकी से पहले T20 मैच को अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, सातवें नंबर पर आएंगे दोस्तों राहुल द्विवेदी जो कि नए खिलाड़ी है तो प्रदर्शन देखने को मिल गया। दोस्तों आठवें नंबर पर है अक्षर पटेल, दोस्तों अक्षर पटेल आठवें नंबर पर आकर भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। दूसरे T20 मैच में अक्षर पटेल का धमाकेदार बैटिंग तो आप लोग देख ही चुके होंगे, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तीसरा T20 मैच में भी बहुत ही कमाल करेंगे। दोस्तों नौवे नंबर पर आएंगे शिवम माबी जो की बहुत ही अच्छी गेंदबाज करते हैं, जिन्होंने पहले ही T20 में 4 विकेट चटका दिए 4 ओवर में। और दोस्तों बात करें दूसरे T20 में शिवम माबी की गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं थी, हालांकि 2 विकेट चटकाए लेकिन 4 ओवर में 53 रन लुटा दिए। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों दसवें नंबर पर आएंगे युजवेंद्र चहल जो कि बहुत ही अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं। हालांकि T20 सीरीज में युजवेंद्र चहल का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है, फिर भी बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, काफी विकेट लेने में माहिर है। दोस्तों 11 नंबर पर है उमरान मलिक जो कि T20 सीरीज में कमाल ही कर दे, पहले T20 सीरीज में दशुन सनका को 155 की स्पीड से गेंद फेंक कर स्टम्प आउट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों हार्दिक पांड्या ने प्लेइंग 11 में बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे, वो चेंजेस यही थे, और भी चेंजेस हो सकते हैं अगले कुछ समय के बाद। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए।